भी आप कमीशन चार्ज करेगा, सो दैट्स 5,000 रुपीज। 10 करोड़ का हुआ माल, सो दैट्स 50 लाख एक ऑर्डर। सो और ऐसा ही होता है, जब इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होता है तभी ऐसा चना गुरमुरा नहीं मंगवाता है, हमने देखा होगा टन्स में आता है, कंटेनर में माल आता है। सो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का प्रोसेस समझने का और कमीशन पे काम करेगा। सो दिस बिजनेस इज कॉल्ड क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग कमीशन चार्जेस, क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट बोला जाता है और ये चार्जेस है। सुनो, अब क्लियरिंग चार्जेस आर रिलेटेड टू इम्पोर्ट्स, क्लियरिंग चार्जेस आर रिलेटेड टू सो ट्रेडिंग डेबिट, फॉरवर्डिंग आर रिलेटेड टू पीएन एक्सपोर्ट्स, मैसेज फॉरवर्ड करते हो तो गया तो पीएन है, क्लियरिंग इज रिलेटेड टू इम्पोर्ट। देन डॉक चार्जेस आर फॉर दोस कंटेनर्स, कंटेनर का भाड़ा कब पे करोगे आप, आते वक्त की आते हो क्लियर करवाने, सो दैट इज ऑल्सो ट्रेडिंग। अनलोडिंग एंड लोडिंग, इमेजिन व्हाट इज अनलोडिंग, अनलोड माल उतार के लेके आए ट्रक में से, दैट इज अनलोड ट्रेडिंग डेबिट। लोडिंग चार्जेस पीएल, सुनो कोई भी एक्सपेंस आपको सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछने का, व्हाट इज दैट एक्सपेंस रिलेटेड टू परचेज और प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, अगर वो एक्सपेंस परचेज प्रोडक्शन का है तो ट्रेडिंग, अदरवाइज इनकम में कौन सी इनकम ट्रेडिंग में जाएगी, सेल्स, कोई नहीं उसके अलावा। पॉइंट्स पढ़ो जरा फटाफट, इफ क्रेडिट साइड, लास्ट पॉइंट, इफ क्रेडिट साइड ऑफ वही है, 2 मिनट देखो और जाओ, इफ क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट इज ग्रेटर देन डेबिट साइड विल मेक ग्रॉस प्रॉफिट एंड वाइस वर्सा। 1 मिनट और बिठाओ, 10 मिनट पीएनएल करो, चाहिए से बैठो जरा। डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर ऑल दोज एक्सपेंसेस विच आर इनकर्ड आइदर इन फैक्ट्री और ऑन परचेज और ऑन मैन्युफैक्चरिंग, रिलेट करने को आ रहा है एक्सपेंस को देख के, खरीदने में बनाने में हो रहा है तो इधर। देन इफ ओनली कैरेज फ्रेट और रॉयल्टी इज गिवन इट इज अज्यूम्ड टू बी डायरेक्ट, परचेज रिटर्न आर ऑल्सो कॉल्ड एज रिटर्न आउटवर्ड, सेल्स रिटर्न ऑल्सो कॉल्ड एज रिटर्न। मेरे को एक बात बताओ, ट्रेडिंग में डायरेक्ट दिखता है कि इनडायरेक्ट, डायरेक्ट इंपॉर्टेंट इनकम एंड इंपॉर्टेंट रिवाइज करके आना टुमारो, पीएनएल एडजस्टमेंट्स बुक दिखा और जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, कल डांडी मत मारना।